ये मेरे उड़ान का सबसे बेस्ट सीन था, क्योंकि मैं मस्त बैठ के ये सीन कर रही थी. एंड टू डाइव आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग रियली वेरी लेजी. हम 6:30 के आए हुए. सो या वन ऑफ द वेरी बेस्ट सीन एंड अ पार्ट ऑफ इट बहुत ही अच्छा और इम्पैक्टफुल सीन है. इट्स रियली नाइस टू शूट सच काइंड ऑफ सीन्स जहाँ पर आप अपने डायलॉग्स और इशारों से ज़्यादा कुछ बोल रहे हो एंड ना कि आपके बॉडी मूवमेंट से. सो बहुत अच्छा सीन था वेयर आई एम टॉकिंग टू रण विजय एंड आई एम टॉकिंग टू हिम और मैं उनसे मिलने वाली हूँ और उनसे बाकी की सारी बातें करूँगी. अब क्या बातें करूँगी, हमारा क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है, ये थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए. कुछ कागजात की बात कर रहे थे. यस, हम कुछ कागजात की बातें कर रहे थे. अब वो क्या कागजात है ये भी मैं आपको नहीं बताऊँगी. आई वॉन्ट टू वॉच बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ्स है. एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ उड़ान. आपके बहुत प्यार और सपोर्ट की वजह से हम फाइनली 2K TRP पे पहुँचे एंड दिस इज़ ऑल ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज. हम लोग ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे. थैंक यू कीप वॉचिंग. ऐसे ही सुकोर सीन्स और ऐसे ही इम्पैक्टफुल ड्रामा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे. पीछे से आपको सूरज देख रहे थे ये सब करते हुए. आई हैव नो आइडिया. सो दिस इज़ द थिंग ना कि इट्स अ डॉग एंड कैट शो नाउ. मतलब जो भी अभी मैं हैव टर्न सो नेगेटिव कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मेरी सच्चाई बाहर आनी है. अब वो कैसे आएगी, कितनी जल्द आएगी. सो दिस फेज इज़ रियली ब्यूटिफुल. इट इज़ शॉट वेरी वेल, इट इज़ रिटर्न वेरी वेल एंड वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट ऑल्सो वेरी नाइसली. सो आप बस देखते रहे. आई होप आपको अच्छा लगे. अच्छा, गाँव में एक सीन हुआ था जहाँ माँ कुछ दे रही है वापस छोड़ या माँ ही हमें सरगी दे रही थी करवा चौथ के लिए. एंड देन वहाँ पर वो चकोर का जिक्र करते हैं. सो ऑब्वियसली मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि अरे वाई वाई हमेशा चकोर कहाँ से आ गई, मैं अभी एक ही बेटी हूँ तेरी. सो जस्ट थिंक अबाउट मी. तो ऐसे मैं गुस्से में निकल जाती हूँ. देन इट्स निकलते वक्त ही मुझे चकोर का फ़ोन आता है एंड वो मुझे बनारस मिलने के लिए बुलाती है. शी इज़ लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चांद आने से पहले तो वापस आज़ादगंज पहुँच जाएगी. इट्स माई प्रॉमिस, प्लीज़ मुझे आके मिल के जाए. सो आई विल बी गोइंग टू मीट हर एट बनारस. अच्छा,